रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है या कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। आज की सबसे प्यारी हदीस की तरफ चलते हैं। शैतान उसको घूरता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत औरत है यानी पर्दे में रखने की चीज है, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान इसे घूरता है। कितनी सख्त बात है, जब शैतान घूरता है तो वो भी तो हंसता ही होगा ना, वो भी तो कहता होगा क्या मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अंदर रहने के लिए कहा और ये बाहर घूमती फिरती है, ठीक है ना। तो फिर ये तो गुनाह की बात है ना। अब औरत बाहर निकलेगी तो ठीक है, कोई मजबूरियां भी होती है, कोई परेशानियां भी होती है, वो औरतें समझती हैं, ठीक है ना। और जो बिना वजह घरों से बाहर निकले, तो अगर घर से बाहर भी निकले तो उसके तरीके हैं, ठीक है। अपने महरम के साथ निकले, साथ में अपना पर्दा हजाब करके निकले, इज्जत व आबरू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सुन के निकले। आजकल का दौर जितना नफसा नफसी, जितना गुनाहगार है उससे बचे। आज के सबसे प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं। मेरा छोटा सा पैगाम होता है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप तक पहुंच जाए। आगे आपका काम, आपका जिम्मा, इसको आगे जो है मेरे नबी का पैगाम आपका पहुंचाना आपका जिम्मा है, ठीक है। तो हर हाजत को पूरा करने का मैं वजीफा बताऊंगी, हर मुश्किल को आसान करने का, सख्त से सख्त परेशानी को खत्म करने का, ऐसा जबरदस्त ऐसा लाजवाब वजीफा मैं आपको बताऊंगी कि एक दफा आप इस वजीफे को जरूर अपनी जिंदगी में करें। सिर्फ 3 दिन में हर मसले का हल, हर परेशानी का हल आपके सामने वाजिया। लेकिन एक बात याद रखें, बावजू ये वजीफा करें, ठीक है। बस 3 दिन आपने की वजीफा, 1 दिन में आपको वाजिया फर्क नजर आएगा, लेकिन वजीफे की जो लिमिट है वो 3 दिन है। तो एक दफा ये वजीफा कीजिएगा। अल कुद्दूसु बुराइयों से पाक जात, ये वजीफा 12 बजे के बाद आपने करना है, जवाल के बाद 12 बजे या फिर जवाल के बाद कसरत से इसका विर्द करें, ठीक है। किसी भी किस्म की परेशानी है जवाल के टाइम बस करना है आपने, कहते कि जैसे जवाल का टाइम शुरू होता है, ठीक है, तो तब करें 12 से 5 मिनट, मतलब कि इस दौरान जवाल का टाइम होता है 12 बज के 5 मिनट, 12 बजे शुरू होता है, 5 मिनट तक रहता है। तो इस दौरान आप ये वजीफा करें, जब बहुत ज्यादा सूरज के अपने आबोताब भी होता है, दिन दूसरे दिन में मुंतकिल हो रहा होता है, मतलब कि दिन रात में मुंतकिल हो रहा होता है, तो तब जवाल का टाइम शुरू हो जाता है। तो आप ये वजीफा तब करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखिएगा ये ऐसा लाजवाब वजीफा है कि कभी किसी ने नहीं बताया होगा। जितनी भी आपको बीमारी है, आपके घर में कोई मरीज है, परेशान हाल है, बस दुआ आपने यही करनी है कि अल्लाह पाक इसको शफा याब कर दे। दुनिया की हर किस्म की बीमारी और परेशानी के लिए वजीफा किया जाता है, लेकिन जवाल का टाइम हो, किसी को बहुत ज्यादा मसला हो, किसी अपने प्यारे को मनाने का कोई नाराज हो गया, मियां बीवी का मसला हो, घर में किसी भी किस्म की परेशानी दुख तकलीफ का मसला हो, कारोबार बंदिश का, जवाल के टाइम बस ये वजीफा आपने लाजमन करना है। इस जिक्र का तलक जवाल से जरूर है, ठीक है ना, उस वक्त ये वजीफा करें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका हर मसला हर परेशानी, पावरफुल वजीफा है, एक दफा ये जरूर करें। बहुत सी हाजात और बहुत सी परेशानियों को खत्म करता है, किसी भी किस्म की हाजात ये अमल एक दफा आपने जरूर करना है। 3 दिन ये करना है, आपकी जो भी मुश्किल होगी 3रे दिन इंशाल्लाह जितनी भी कमी पेशी रह गई होगी वो भी हल हो जाएगी। शक ना करें इस वजीफे पे, ठीक, सिर्फ बिना सोचे ये वजीफा एक दफा करके देखिएगा, 3 दिन में हर मसला आपका हल हो जाएगा। हर मसले को हल करने के लिए अगर घर में बैठे हैं तो घर में करें, अगर कहीं बाहर है तो जवाब का टाइम नोट कर लें, उस वक्त आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी परेशानी मुश्किल को हल करने वाला वजीफा है। कोई परेशानी है, कोई मसला है, यकीन आए तो एक दफा आजमा लें। तेज से तेज तरीन पावरफुल वजीफा सिर्फ आपके लिए है। एक दफा अपनी बहन का कहने पर ये वजीफा करें, किसी भी किस्म की मुश्किल है अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। इजाजत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में